नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सुबह के दिन जो ये मूव कैच किया था उसके पीछे का ऑप्शन चेन के हिसाब से एनालिसिस क्या है, लॉजिक क्या है और प्राइस एक्शन के हिसाब से लॉजिक क्या है। ये दोनों को कॉम्बिनेशन करना जब आप सीख जाओगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो यहाँ पे मेरा जो फ्री वाला चैनल है, ये फ्री वाले चैनल में मैंने 9:34 पर आपको बता दिया था कि 13,900 का जो लेवल है वो 13,900 के लेवल के ऊपर पुट राइटर्स एग्रेसिवली आ रहे हैं तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। ये मैंने 9:34 पर आपको अपडेट किया था और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 13,900 का जो लेवल है वो 13,900 के लेवल पर ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और वहां से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। तो यहां से ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया है इसको आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके, तो आपको इसको पहले समझना पड़ेगा और फिर उसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको पहले ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके बताता हूं तो आपको थोड़ा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 9:34 पर आपको यहाँ पे अपडेट दिया था, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ऑप्शन चेन निकाल के रखा हुआ है। ये 9:35 का स्क्रीनशॉट है और 9:34 पर मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था। मैंने आपको बोला हुआ था कि 13,900 का जो लेवल है वो 13,900 के लेवल के ऊपर पुट राइटर्स जो है वो एग्रेसिवली आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कॉल की साइड के ऊपर और पुट की साइड के ऊपर किस तरीके का पोजीशन बन रहा है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी देखना पड़ेगा और क्वांटिटी के साथ साथ क्या है क्वालिटी भी देखना पड़ेगा। तो ये दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके का पोजीशन यहाँ पे बन रहा है। जिनको ऑप्शन राइटिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है उनको मैं थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ। ऑप्शन राइटिंग के 100 से ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मार्केट में अवेलेबल है, तो जो प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है उसको जब आप धीरे धीरे समझ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पोजीशन क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से हेजिंग किया जाता है, किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है और उसका क्यूमुलेटिव क्वांटिटी जो है वो आपको इस ऑप्शन चेन में दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि नीचे वाले लेवल के ऊपर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से राइटिंग हो चुका था। तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे अगर आप कंबाइनली देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे कॉल की साइड के ऊपर ऊपरी स्तरों पर सिस्टमैटिक राइटिंग नहीं हुआ था, नीचे की साइड की तरफ एक सिस्टमैटिक राइटिंग आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर ने अपना हेजिंग का पोजीशन वहां पे राइटिंग के हिसाब से एडजस्ट करके रखा हुआ है, तो उनका जो नजरिया रहता है वो रिटेल ट्रेडर से ज्यादा इफिशियंट रहता है क्योंकि वो हिस्टोरिकली सक्सेसफुल ट्रेडर बने हुए रहते हैं। तो बस आपको उनको फॉलो करना है। आप जनरली गलती क्या करते हो, आपके हिसाब से मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, उसको मत कीजिए। सिर्फ आप क्या देखिए कि स्मार्ट मनी मार्केट में कहाँ पे लगा हुआ है और वो स्मार्ट मनी जो आपको डायरेक्शन बता रहा है वो डायरेक्शन को आप फॉलो कीजिए। पुट की साइड के ऊपर आपको देखना पड़ता है कि सपोर्ट का लेवल कहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि मार्केट में जो है वो मार्केट में निचली साइड के ऊपर एक ग्रेजुअल सपोर्ट लेवल बन चुका था और ये जो ग्रेजुअल सपोर्ट लेवल ये बन चुका था तो यहाँ पे आज के दिन में आज जैसे ही मार्केट चालू हो गया था उसके बाद 13,900 के ऊपर एग्रेसिवली पुट राइटर्स मार्केट में आ रहे थे। मतलब उनका नजरिया कंफर्म था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है। बस उसी पॉइंट को आपको पकड़ना है और उसी पॉइंट को आपको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना है। जब आप इसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना सीखोगे तो आपका सटीक एंट्री बैठ जाएगा। ऑप्शन चेन में अभी जनरली लोगों का कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, यहाँ पे सब जो नंबर्स दिखते हैं वो नंबर्स में उनका कंफ्यूजन होता है क्योंकि उनको चार्ट देखने की आदत रह चुकी है। तो यहाँ पे नंबर्स को आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए, उसको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। यहाँ पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, यहाँ पे 39 लाख का था और यहाँ पे 32 लाख का था। तो ये जो फिगर्स है ये फिगर्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे है कि निचले स्तरों पर लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा है, लोगों को ये पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। और उसके आपको इकोनॉमिक फैक्टर के साथ वर्ल्ड मार्केट के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। ये अपना एक्सपायरी का लास्ट डे है, कल के दिन एक्सपायरी होने वाली है,
ये मंथली एक्सपायरी है, जनरली वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी को आपको समझना पड़ेगा। तो ज्यादातर बड़े प्लेयर का जो पोजीशन रहता है वो मंथली एक्सपायरी में रहता है, तो मंथली एक्सपायरी का डेटा जो रहता है उसको रीड करना और वीकली एक्सपायरी के डेटा को रीड करना, इसमें थोड़ा फर्क रहता है। वीकली एक्सपायरी में हम लोग एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मंथली एक्सपायरी के साथ क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, लेकिन जब मंथली एक्सपायरी को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो मंथली एक्सपायरी को क्रॉस चेक करने का दूसरा कोई तरीका नहीं होता। तो इनके नंबर्स के ऊपर ही आपको बिलीव करना पड़ेगा और उनके हिसाब से ही आपको ट्रेड का डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मंथली एक्सपायरी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट में एक्टिविटीज थोड़ा कम हो रहा है, डाउ जोन्स जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम बता रहा है, कुछ भी आज बड़ा ट्रिगर नहीं था, इकोनॉमिक कुछ भी इवेंट नहीं था, तो इसका मतलब है कि मार्केट का प्राइस एक्शन के हिसाब से जो ओवरऑल ट्रेंड है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड बना रहने वाला है। पहला कंक्लूजन हमें ये मिल चुका था। दूसरा कंक्लूजन, मंथली के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में मार्केट सपोर्ट के करीब आ चुका था, दूसरा कंक्लूजन हमें मिल चुका था। तीसरे कंक्लूजन में हमें यह पता चल चुका था कि मार्केट में जो है वो ग्रेजुअल सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। तो तीनों कंक्लूजन जब हमें मिल गए और जब हम लोगों ने सुबह से मार्केट को ट्रैक कर रहे थे, सुबह से ऑप्शन चेन देख रहे थे, तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा था कि सबसे ज्यादा पोजीशन 13,900 के ऊपर ही बन रहा है आज के इंट्राडे में। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है, बस सिंपली इसी लॉजिक को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एग्रेसिवली हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चारों कंपार्टमेंट का स्टडी करता हूँ और चारों कंपार्टमेंट में मुझे दिखाई जहाँ पे पड़ता है कि सबसे एग्रेसिवली कॉल राइटर या पुट राइटर कहाँ पे आ रहे हैं, तो वही मार्केट का डायरेक्शन आगे जाके कंटिन्यू रहता है। ये चारों कंपार्टमेंट का थ्योरी अगर आपको सीखना है तो वो मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस का फ्री वाला कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके डिटेल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में दिए हुए है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन अभी बन रहा है और हमें कल के एक्सपायरी के दिन कौन से सिनेरियो के लिए तैयार रहना है, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे समझ लेते हैं। तो जब आप धीरे धीरे समझोगे तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट खोला हुआ है वो निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है स्पॉट का। निफ्टी के स्पॉट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन की जोन में बना हुआ था और ये कंसोलिडेशन का जोन जो है वो कंसोलिडेशन के जोन को मार्केट अभी ब्रेकआउट देने की कगार पर है। तो इसको एक बात को आप समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन चुका है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के ब्रेकआउट के मोड पर मार्केट आके रुका हुआ है। यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा आपको वो 14,000 का आएगा, क्योंकि 14,000 के लेवल को अगर मैं ऑप्शन चेन में चेक करता हूँ तो ऑप्शन चेन में मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखा हुआ है कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल की साइड के ऊपर, तो हाईएस्ट कॉल राइटर 14,000 के लेवल के ऊपर बैठे हुए है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटर बैठे हुए है, इसका मतलब ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल करके एक्ट होने वाला है। पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कल के एनालिसिस के लिए। कल क्या ट्रेड करना है इसका एनालिसिस हम लोग पहले से ही बना के रखेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से अप ट्रेंड कंटिन्यू है मार्केट में, फिर ऑप्शन चेन में हम लोगों ने देखा है ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से 14,000 का रेजिस्टेंस लेवल मार्केट को लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट ये 14,000 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद बहुत बड़ा रैली मार्केट में आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 3:09 पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है अभी के टाइम का, तो वो डेटा में मैंने देखा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स यहाँ पे शॉर्ट हो चुके हैं। तो कल के दिन में मार्केट जब चालू हो जाएगा तो मैं सब डेटा आपको कैलकुलेट करके ये अपने फ्री वाले चैनल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितने लोग यहाँ पे शॉर्ट हो चुके हैं और हमें कितना बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। ये टेलीग्राम चैनल का ये चैनल कम्प्लीटली फ्री है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे 71,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए है। तो कल के लिए ये लेवल को आपको याद रखना पड़ेगा, 14,000 की लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये पॉइंट को ध्यान में रखिए, वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक करना चाहिए, तो कम से कम 1.5 करोड़ शेयर्स ऐसे होंगे, कॉल राइटर्स ऐसे होंगे जो शॉर्ट की वजह से
रिस्क में आ जाएंगे और उनको उनका लॉस बुक करने के लिए मार्केट में आना पड़ेगा। जैसे ही वो मार्केट में आएंगे और बढ़िया मोमेंटम आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से अप ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पे 14,000 के नीचे वाले लेवल के ऊपर जो कॉल राइटर्स ट्रैप हुए रहेंगे, वो कॉल राइटर्स को मार्केट में आना पड़ेगा, अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी का आखिरी दिन है। अगर यहाँ पे वो लोग आते हैं ब्रेकआउट के साथ विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम हमें मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो बहुत सारे लोगों का मुझे ये सवाल आता है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रहा है कि बाइंग हो रहा है, ये कैसे हम लोग जज कर सकते हैं? दोस्तों उसका भी एक टेक्निक है, उसको भी आप जज कर सकते हो। आपको जो प्रीमियम है, प्रीमियम घट रहा है बढ़ रहा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके का पोजिशन बना हुआ है। तो अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा मुझे लाइक मिलेगा उतना ज़्यादा मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा, और उसी के साथ साथ अपना ये जो एजुकेशनल चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि निफ्टी का जो मोमेंटम है और बैंक निफ्टी का मोमेंटम है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी में उतना डेटा नहीं बन रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस बता रहा है। बैंक निफ्टी को अगर परफॉर्म करना है तो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रीवियस हाई बना हुआ है, हिस्टोरिक हाई मार्केट, उससे भी अभी नीचे है। निफ्टी में हिस्टोरिक हाई को ब्रेक कर दिया है लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी में उतना तेज मोमेंटम नहीं बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो चलने वाला है। तो बैंक निफ्टी के अगर आप लेवल देखते हो तो 31,000 का जो लेवल है यहाँ पे पुट के साइड के ऊपर, ऑप्शन चेन का जब आप एनालिसिस करोगे तो पुट की साइड के ऊपर यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो ये पहला क्लू हम लोगों को ऑप्शन चेन से मिल गया। फिर दूसरा क्लू हम लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से लेना है। प्राइस एक्शन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप पैटर्न बन चुका है आवरली चार्ट के ऊपर। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ ये बैंक निफ्टी के स्पॉट के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमें सपोर्ट का लेवल मिल रहा है। तो 31,000 का जो लेवल है वे 31,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है, पहला कंक्लूजन हमें मिल गया। फिर अभी दूसरा कंक्लूजन अपर साइड के ऊपर हमें देखना है कि किस तरीके का रेजिस्टेंस लेवल बना है। तो 31,500 का जो लेवल है, 31,500 के लेवल में अगर आप कॉल की साइड के ऊपर देखोगे तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों के लिए एक्ट होने वाला है। तो हम लोगों ने प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को जब कंबाइन किया तो हमें ऊपर की साइड की तरफ मिला है 31,500 का रेजिस्टेंस का लेवल, और नीचे की साइड पर मिला है 31,000 का सपोर्ट का लेवल। जब तक मार्केट ये रेंज में फंसा रहेगा आपको वन साइडेड मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर मार्केट ये रेंज को अपसाइड की तरफ या डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तभी जाके मार्केट में अपसाइड का या डाउनसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। अभी कुछ लोगों का एक सवाल मुझे आया था लाइव मार्केट में कि यहाँ पे निफ्टी में जो मोमेंटम बन रहा है ये पिछले दो दिनों से ऐसा इतना स्लो मार्केट क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का ऑलरेडी मैंने वीक जब स्टार्ट हुआ था तभी आपको बता दिया था कि अभी यूएस मार्केट में जो है वो एक्टिविटी कम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है मोमेंटम थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सोमवार का दिन था, मंगलवार था, बुधवार था, तो तीनों दिन मार्केट में एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है। ये अपने लिए निगेटिव नहीं पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था एक्सपायरी की वजह से। क्योंकि एक्सपायरी का डेटा अगर मैं देखता हूँ तो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा हुआ है कि मैंने बहुत सारा डेटा क्रंचिंग करके रखा हुआ है, सब रिकॉर्ड मेरे पास है। तो जनरली एक्सपायरी के दिन जिस तरीके का डेटा बनता है, जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बनता है, वो एक दिन पहले मतलब आज के दिन ही उसी तरीके का डेटा यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब डेटा बहुत अच्छी तरीके से एक्सपायरी के ओपन इंटरेस्ट में हमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ अभी वो डेटा कौन सा डायरेक्शन लेता है उस डायरेक्शन में हमें पोजीशन लेना है। तो जनरली अगर आपको सीखना है तो आप क्या कीजिए, अभी यहाँ पे जो ऑप्शन चेन यहाँ पे आपको दिखाई देती है, ये ऑप्शन चेन का हर दिन का रिकॉर्ड बनाते रहिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्सपायरी के एक दिन पहले जनरल ओपन इंटरेस्ट कितना रहता है, एक्सपायरी के दिन जनरल ओपन इंटरेस्ट कितना रहता है। जब उसके एवरेज के कंपैरिजन में 5-10% अबो बिलो एवरेज रहेगा जो उसके कंपैरिजन में अगर डेटा बनता है, तो समझ लो कि एक्सपायरी नॉर्मल होने वाली है,
लेकिन उससे ज्यादा अगर बहुत डेटा बनता है तो समझ लो कि एक्सपायरी में बड़ा मुंह आने की पॉसिबिलिटी है। सभी एक्सपायरी में बड़ा मुंह आ नहीं सकता, सभी एक्सपायरी में एवरेज एक्सपायरी नहीं हो सकती। कुछ एक्सपायरी में आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। वो आपको कैसे पता चल सकता है कि ओपन इंटरेस्ट की साइड में जो डेटा बनता है उसी को आपको देख के फॉलो करना पड़ेगा। जहां पे डेटा ज्यादा बना रहेगा समझ लो एक्सपायरी में बड़ा मुंह आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ऐसे एजुकेशनल वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और ये टेलीग्राम चैनल के फ्री अपडेट्स आपको हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।